हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बिग बॉस 14 जैसा कि आपको पता है आने वाला है, लेकिन बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट की पहले हम बात कर लें। बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट जो है सिद्धार्थ शुक्ला जीते थे और फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए जीते। लेकिन उसके साथ ही शहनाज कौर गिल की भी बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग और आसिम रियाज की फैन फॉलोइंग भी भैया कम नहीं थी। आसिम रियाज के भी बहुत फैन थे, आसिम रियाज के भी ट्रेंडिंग में आते रहे हैं और रश्मि देसाई की भी अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी। और पहले से रश्मि देसाई के बहुत सारे ढेरों फैंस थे, भोजपुरी इंडस्ट्री से भी फैन थे और हिंदी से भी फैन थे, उत्तरन सीरियल से भी फैन फॉलोइंग थी, तो वो सभी भी काफी चाहने वाले थे रश्मि देसाई को। अब बिग बॉस 14 में जैसा कि होता है बिग बॉस 13 में से कोई एक कंटेस्टेंट गेस्ट बन के एक हफ्ता रहने के लिए आएगा, तो ये हमने लोगों से पूछा कि कौन आप चाहते हैं, इन चारों में से कौन कंटेस्टेंट आप चाहते हैं कि सबसे पहले बिग बॉस के घर में आए। तो रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज कौर गिल और आसिम रियाज, इन चारों में से कौन आप चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में घर वालों के साथ एक हफ्ता रहने के लिए आए। तो दोस्तों, नंबर चार पे जो वोटिंग वो मिली, नंबर चार पे लोगों ने कहा जो नाम था वो था आसिम रियाज। और उसके बाद आसिम रियाज के बाद नंबर तीन पे जो लोगों की पसंद थी, लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं, हमारे चैनल के हिसाब से, हमारे हिसाब से वो था रश्मि देसाई। नंबर दो पे शहनाज गौर गिल और नंबर एक पे सिद्धार्थ शुक्ला। अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अभी भी सिद्धार्थ के फैंस जो है हर चीज पे वोट करते हैं। और लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया जो बिग बॉस के घर में टास्क करते थे और उनको पता था, मास्टरमाइंड से, दिमाग से सोचते थे हर चीज, और उसी तरीके से वो लोगों को अच्छे तरीके से बिग बॉस 14 में अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो गाइड करेंगे, तो ऐसा लोगों का कहना है। तो लोग नंबर वन पे चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला एज गेस्ट बन के घर में आए। अगर कपल के रूप में आते हैं तो सिद्धनाथ दोनों ही जाएंगे, तो ऐसा लोगों का कहना है। तो आपका क्या कहना है? अगर आप की सोच मेरी सोच से या ये वोटिंग की सोच से अलग है तो कोई बात नहीं, आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच को हम देखेंगे कि कितने लोगों की सोच उस तरह जाती है। अगर ज्यादा की जाती है, ज्यादा वोटिंग रहती है, तो हम फिर से एक वीडियो बना के वो लोगों के सामने रखेंगे। तो क्या कहते हैं दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।